हरिओम श्री कृष्णाय नमो नमः। मेरे प्यारे सभी भाइयों बहनों, ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज के इस सत्संग में आप लोगों के बीच में गीता का पाठ कैसे करें इस बात की जानकारी मैं पहले एपिसोड में गीता रहस्य पर दे चुका हूं कि गृहस्थ आदमी जो हैं वो गीता के छठवें अध्याय से उसका पाठ करें और यह अध्याय जो है यह अध्याय इस बात को जिन्होंने अपने स्मृति पटल में रखकर भगवान की बातों को सुनकर जो उन्होंने लिपिबद्ध किया उन्होंने अपने ढंग से इन सभी बातों को 18 अध्यायों में वर्णन किया है। कारण यह है कि जिस परिस्थिति और जिस वातावरण में यह अमृतवाणी निश्चित हुआ उसमें बिना रुके अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन के मन में जो भी शंकाएं थी उसे दूर कर अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होने के लिए उन्हें मनाने के लिए उनके सभी संशयों को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इस गीता नाम की जो उनकी अमृतमय वाणी है उसे उन्होंने कहा। तो पांचवें अध्याय के बाद यह जो छठवां अध्याय है वह भक्ति योग से संबंधित है। प्रभु श्री कृष्ण जी ने पूर्व के उपदेशों में उन्हें बता चुके हैं कि तुम इस युद्ध में किसी को नहीं मार रहे हो, न कोई मरता है। फिर उन्होंने यज्ञ तप जप और कर्म के रहस्यों को उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया और कर्म तुम्हें करना है, क्यों करना है, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, उस संदर्भ में उन्होंने उन्हें बता दिया। अब कर्म और संन्यास, कर्म करना और संन्यास ज्ञान, संन्यास योग, सांख्य योग को उन्होंने पांचवें अध्याय तक बता चुके हैं और आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं क्योंकि जो भी आप कर्म करो उसका फल अगर आप अपने माथे पर रखते हो तो उसका फल तुम्हें भोगना ही होगा। इसी कारण बस भगवान ने पांचवें अध्याय के सबसे अंत में कह रहे हैं
भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं गच्छति। कहते हैं कि भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम ज्ञात्वा सुहृदं ज्ञात्वा मां शान्ति गच्छति। या जान जाओगे कि जो भी तुम यज्ञ तप जप अर्चना पूजा विभिन्न देवताओं को करते हो तो उस कर्म के फल को जिनके लिए तुम करते हो उस सभी कर्मों का भोगने वाला तुम नहीं हो। भोक्तारं यज्ञ तपसाम तुम तप करो जप करो यज्ञ करो। तप क्या है यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं ये सब बातें स्पष्ट अभी नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जो भी यज्ञ जप तप कर रहे हो जिसके प्रति तुम कर रहे हो उस सभी का वास्तविक भोक्ता मैं ही हूं। ब्रह्मांड में यह एक ब्रह्मांड ये नहीं है पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा लीला को वही समझ पाते हैं जो उनसे जुड़ते हैं उसे वो सब कुछ बता देते हैं। तो इस ब्रह्मांड में अनेकों ब्रह्मांड हैं इस संसार में और सभी ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु अलग अलग हैं। उन सभी देवताओं का सूर्य चंद्रमा पृथ्वी इत्यादि जो भी देवता हैं उन सबों का एक महान ईश्वर जो है महेश्वर वह कैसा है सुहृदम सभी देवताओं से ऊपर एक परमात्मा है जो सभी ईश्वरों का भी ईश्वर है वह सुहृदय है बहुत दयालु है। इस दयालुता के कारण ही वो करुणा निधि है इस कारण वो सभी का लालन पालन करते हैं ब्रह्मांड में। उनके लिए कोई न अपना है न कोई पराया है जो उन्हें मानता है और जो नहीं उन्हें मानता है जो उनकी पूजा करता है उपासना करता है उसे भी और जो नहीं करते हैं उन्हें भी वो अपने दयालुता के कारण सबों पर कृपा ही करते रहते हैं। तो इस बात को जानकर सुहृदम ज्ञात्वा माम ऐसा मुझको जानकर शांतिम शांति को प्राप्त करता है गच्छति वह पाता है शांति को प्राप्त कर लेता है गच्छति वहां पहुंच जाता है जहां परम शांति है उस पद को वह प्राप्त कर लेता है। शांति क्या है जिस अवस्था में आपके मन बुद्धि
आनंदमय हो जाए और भय चिंता से मुक्त जो अवस्था आप प्राप्त करोगे, कोई क्लेश नहीं हो, आनंद ही आनंद हो, ऐसी अवस्था ही शांति की अवस्था है। तो ये पांचवें अध्याय के 29वें श्लोक तक कहा गया है, इसके बाद छठवें अध्याय में प्रारंभ करते हैं कि अब वो कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें बताया अब तक कि कर्मयोग, सांख्य योग यानी ज्ञान योग, तो ये कर्म योग का और सांख्य योग का जो वर्णन पूर्व में कर चुके हैं उसमें बताते हैं कि तुम कर्म तो करते हो लेकिन किसके लिए करते हो। अगर तुम खुद अपने लिए करते हो तो क्या होगा, उसका फल तुमको भोगना होगा, अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का, दोनों प्रकार के कर्मों का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे एक जन्म में प्राप्त करो या हजारवें जन्म में प्राप्त करो, कभी ना कभी तुम्हें उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यम कर्म करोति यः। अनाश्रितः कर्म फलम्, यहां और लगा दिया गया है कि नहीं में, अनाश्रितः आश्रय के बिना, आवश्यक अनावश्यक, इसी तरह यह अनाश्रितः आश्रित से रहित, अनाश्रितः कर्म, कर्म तो करो लेकिन उस कर्म के फल के आश्रय मत रखो, उसके अधीन मत रखो कि मैं जो यह कर्म कर रहा हूं इस कर्म से यह मैं प्राप्त करूंगा। ये बातें आप हम समझते तो हैं, कह रहे हैं कि कर्म के फल को बिना आश्रय लिए हुए कर्म करो, लेकिन व्यवहार काल में हम देखते हैं कि हम बिना कर्म फल को सोचे हुए एक पग भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। हर क्षण हर कर्म के पीछे हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य निश्चित रूप से रहता है। अब भगवान कह रहे हैं अनाश्रितः कर्म फल कार्यम कर्म करोति यः, जो कर्म के फलों का आश्रय नहीं लेते हुए करने योग्य कर्म को जो करता है, ऐसी बातों को सुनकर हम इस सोच में पड़ जाते हैं तो हम किसके लिए कर्म करें, जब कर्म फल ही हमको नहीं चाहिए तो हम कर्म क्यों करेंगे। इस बात की चर्चा हम कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि इसके पीछे जो आप जान पाए हैं अभी तक कि भोक्तारम्, अगर तुमको मुझसे प्यार है, मुझमें श्रद्धा है, तुम मुझे जानते हो कि ये सुहृदय है,
तो मेरे लिए कर्म करो, और तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसकी जवाबदेही मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम मत फंसो उसमें, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें कुछ न कुछ दोष नहीं हो, ऐसा नहीं है। हरेक कर्म में कुछ न कुछ दोष है, इसीलिए कहते हैं कि तुम मेरे निमित्त अगर कर्म करते हो तो बड़ा बुरा होता है या भला होता है, तुम निश्चिंत होकर के कर लो, उस कर्म के फल की चिंता मत करो, क्योंकि उसकी चिंता करोगे तो कर्तव्य कर्म तुमसे नहीं निभा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जो है वह तमोगुण और रजोगुण से लिपायमान है, क्योंकि यह संसार जो है ना जब रची गई तो इसमें गुण और दोष दोनों को डाल दिया गया, क्योंकि गुण का मेरिट को व्याख्या करने के लिए डिमेरिट को रखना जरूरी है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वात्मक है, दिन की परिभाषा के लिए अंधकार आवश्यक है, सुख के लिए दुख होना जरूरी है, दुख न हो तो सुख का अनुभव कैसे होगा, यह संसार द्वंद्वात्मक है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम कर्म फल की चिंता छोड़ दो, तुम्हें जो करना है करने योग्य कर्म, बुरे कर्म को नहीं कहते हैं, क्यों कि करने योग्य कर्म कौन होते हैं इसकी व्याख्या आप इसी अध्याय में छठवें सातवें आठवें आगे आप जाएंगे तो पाएंगे कि भगवान बिल्कुल सटीक उत्तर देते हुए अर्जुन के सभी शंकाओं को सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिए। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि आप छठवें अध्याय से प्रारंभ कीजिए, और पाठ करने का मतलब यह नहीं होता है कि उसको हमने पढ़ लिया और उसका जो हिंदी में अर्थ टीकाकारों ने लिखा है उसको पढ़ लिया, ये पाठ नहीं है, वो उसी तरह पाठ है जैसे शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा लोभ से फंसना नहीं, और वो सभी चिड़िया फंस गई थी, उसके गुरुजी ने कहा अरे पढ़ाया उसका भाव तुम समझा नहीं, ये रटने से क्या फायदा, यही बातें हैं। हम आप गीता तो पाठ कर लेते हैं, संपूर्ण गीता याद कर लेते हैं, अर्थ भी जान जाते हैं, लेकिन पाठ का तात्पर्य है उसको आत्मसात कर अपने जीवन में व्यवहार में लाना, ऐसे करने से आपको पूर्ण लाभ मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि इस गीता के श्लोक को पढ़ने से फल नहीं मिलता है, ऐसी बात नहीं है। आज तो नहीं, लेकिन हम फिर आपको गीता के छठवें अध्याय के पाठ करने वाले को क्या लाभ मिलता है, अगर आप गीता के एक ही श्लोक का पाठ कर लिया, बराबर करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, निश्चित रूप से आप इस भवसागर से पार होइएगा, अक्षय कृष्ण के गोधाम गोलोक में जाकर वो आप प्राप्त कर लीजिएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और यह गीता पाठ के महात्म का मैं अगले प्रवचन में बता रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर, जय भारत, आपकी जय हो। नमस्ते।
नव वर्ष मंगलमय हो।